देखिए जिस तरह से इस पूरे सत्र के दौरान विपक्ष पहले दिन से मांग कर रहा है कि जेपीसी का गठन करिए और सरकार भाजपा हर दिन भाग रही है सदन से, आज फिर सदन से भागी और सदन 2 बजे तक के लिए स्थगित है। तमाम विपक्ष के सहयोगी दलों ने एक साथ मिलकर के आज SBI जो ब्रांच है उसके सामने हमने प्रोटेस्ट किया और हमने ये कहा है कि SBI और LIC की लूट का जवाब सरकार को देना पड़ेगा क्योंकि इसमें देश की गरीब जनता का पैसा लगा हुआ है। सरकार अडानी के मुद्दे पर सदन से भाग नहीं सकती है। आप कितना भी ध्यान भटकाने की कोशिश करेंगे, राहुल गांधी जी के पीछे छुपने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम आपसे जवाब लेकर के रहेंगे। JPC का गठन करना पड़ेगा, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी आपको गठित करनी पड़ेगी। सारे विपक्षी दल पिछले हफ्ते से JPC की मांग कर रहे हैं, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि भाजपा ने इस पूरे सदन को अडानी को बचाने के लिए इसको स्थगित कर दिया है, विफल कर दिया है। लेकिन हम अपनी मांग पर अड़े रहेंगे। आज सारे विपक्षी दलों ने पार्लियामेंट के पहले माले से फर्स्ट फ्लोर से हमने एक बड़ा बैनर लेकर पूरे देश को यह संदेश देना चाहते हैं कि किस प्रकार से सदन का दुरुपयोग BJP कर रही है और सदन में जनता की आवाज, बजट पर अहम चर्चा और JPC की मांग को नजरअंदाज कर रही है, ताकि प्रधानमंत्री के करीबी दोस्त अडानी जी को JPC प्रोप से बचा सके। लेकिन हम अडानी जी और मोदी जी की जो हमारी ये मांग है, इससे हम पीछे हटने नहीं वाले। विपक्षी दल इस मुद्दे पर एकजुट है और हम देश के सामने प्रधानमंत्री मोदी जी और उनके करीबी दोस्त गौतम अडानी जी के बीच जो गहरा रिश्ता है, संबंध है, जिस पर राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रश्न भी उठते हैं, ये सारा मामला को हम पर्दाफाश करके ही रहेंगे। टुडे 18 पार्टीज टुगेदर प्रोटेस्टेड इन पार्लियामेंट फर्स्ट फ्लोर बिकॉज वी वर नॉट गिवन द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक इन पार्लियामेंट इन लोकसभा। 18 पार्टी लीडर्स फॉर द पास्ट 7 days आर आस्किंग द टाइम टू स्पीक। Our mics are switched off and Lok Sabha we are not being allowed. Therefore, on protest of it, on the Adani scam, we had protested again in front of the SBI branch of in Parliament and in front of Gandhi statue, we protested. All the opposition parties are together in the fight against the Adani scam and we demand for a discussion in Parliament on Adani scam and we demand a JPC on Adani scam. देखिए जिस तरह से इस पूरे सत्र के दौरान विपक्ष पहले दिन से मांग कर रहा है कि JPC का गठन करिए और सरकार भाजपा हर दिन भाग रही है सदन से, आज फिर सदन से भागी और सदन 2 बजे तक के लिए स्थगित है। तमाम विपक्ष के सहयोगी दलों ने एक साथ मिलकर के आज SBI जो ब्रांच है उसके सामने हमने प्रोटेस्ट किया और हमने ये कहा है कि SBI और LIC की लूट का जवाब सरकार को देना पड़ेगा क्योंकि इसमें देश की गरीब जनता का पैसा लगा हुआ है। सरकार अडानी के मुद्दे पर सदन से भाग नहीं सकती है। आप कितना भी ध्यान भटकाने की कोशिश करेंगे, राहुल गांधी जी के पीछे छुपने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम आपसे जवाब लेकर के रहेंगे। JPC का गठन करना पड़ेगा, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी आपको गठित करनी पड़ेगी। सारे विपक्षी दल पिछले हफ्ते से JPC की मांग कर रहे हैं, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि भाजपा ने इस पूरे सदन को अडानी को बचाने के लिए इसको स्थगित कर दिया है, विफल कर दिया है। लेकिन हम अपनी मांग पर अड़े रहेंगे। आज सारे विपक्षी दलों ने पार्लियामेंट के पहले माले से फर्स्ट फ्लोर से हमने एक बड़ा बैनर लेकर पूरे देश को यह संदेश देना चाहते हैं कि किस प्रकार से सदन का दुरुपयोग BJP कर रही है और सदन में जनता की आवाज, बजट पर अहम चर्चा और JPC की मांग को नजरअंदाज कर रही है, ताकि प्रधानमंत्री के करीबी दोस्त अडानी जी को JPC प्रोप से बचा सके। लेकिन हम अडानी जी और मोदी जी की जो हमारी ये मांग है, इससे हम पीछे हटने नहीं वाले। विपक्षी दल इस मुद्दे पर एकजुट है और हम देश के सामने प्रधानमंत्री मोदी जी और उनके करीबी दोस्त गौतम अडानी जी के बीच जो गहरा रिश्ता है, संबंध है, जिस पर राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रश्न भी उठते हैं, ये सारा मामला को हम पर्दाफाश करके ही रहेंगे।